वेलकम बैक व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में हमने जो पेजेस हैं उनको लिंक कर लिया था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ, वो प्रॉपरली लिंक कर रहे थे, यानी कि हमारा जो राउटिंग का प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो पार्शियल टेम्पलेट्स हैं उन पे वर्क करना है, और इसलिए अब हम क्या करते हैं जनाब, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके लिए कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे। तो जो कंट्रोलर होगा कोर्सेज के लिए, उसको हम क्या नाम देंगे, कंट्रोलर का नाम होगा कोर्सेज अंडरस्कोर CUI इन कंट्रोलर की शॉर्ट फॉर्म, और इसमें हम एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे और उसमें डॉलर स्कोप। ये आपको ऑलरेडी इसका आइडिया है। तो इसमें हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे कोर्सेज की, उसमें हम जो है वो जो कोर्सेज हमने ऑफ़र करने हैं उनके जो है नाम वो स्टोर करवा लेंगे। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ C++ वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलप, डेवलपमेंट, और उसके अलावा ग्राफिक्स। जी हमने कोर्सेज के जो नाम है वो करा लिए स्टोर। अब हम इनको यूज़ करेंगे व्यू के अंदर। तो सबसे पहले मुझे इस जो कंट्रोलर है इसको बाइंड करना पड़ेगा टेम्पलेट के साथ, यहाँ पर राउटिंग वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंट्रोलर, और इसमें मैं जो है इसका नाम पास कर दूँगा, ये हमने इसमें पास कर दिया है, कंट्रोलर इसके साथ अटैच हो गया। अब इस कंट्रोलर को हम जो कोर्सेज वाला हमारा पेज है उसके साथ लिंक करेंगे। तो ये कोर्सेज डॉट एच टी एम एल का है, तो इसमें मैं सिंपल एक डिव बनाता हूँ, और उसमें मैं करूँगा एन जी कंट्रोलर, और उसमें मैं इस कंट्रोलर का नाम पास कर दूँगा। अब इसके बाद हम एक UL लगाकर यानी कि अनऑर्डर लिस्ट उसके अंदर इसको कर लेते हैं रिट्रीव, ng रिपीट, सी इन कोर्सेज, ये कोर्सेज की हमारी एरे थी, और इसमें हम क्या करेंगे li के अंदर इस सी को हम डिस्प्ले करवा लेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये कुछ भी नहीं डिस्प्ले करवा रहा, यानी कुछ ना कुछ एरर है। तो मैं कंसोल को ओपन करता हूँ, तो ये क्या एरर डिस्प्ले करवा रहा है, सिंटैक्स एरर है कोई। चलो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं हम कि क्या एरर है। ये हमारा कंट्रोलर है, और यहाँ पर मैं H1 लिखता हूँ कोर्सेज, इसको करता हूँ डिस्प्ले, तो ये कुछ भी नहीं डिस्प्ले करवा रहा। तो मेरे ख्याल से एरर कहाँ पे होनी चाहिए, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में कंट्रोलर, इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ कॉमा को। अभी भी ये एरर है, तो इसको रिजॉल्व किस तरह से करेंगे हम देखते हैं इसको मज़ीद कोड को। ये एनजी व्यू की क्लास है, और इसके अंदर अब स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आते हैं, तो कंट्रोलर हमने क्रिएट किया है, इसमें तो नहीं कोई मसला। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आना चाहिए,
अब इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर आ चुके हैं और ये भी आ गया है, ये भी। अब ये कोर्सेज आ गए, अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा डिज़ाइन। तो मैं जाऊँगा कोर्सेज डॉट एच टी एम एल में, तो जो हमारी पहली हेडिंग है इसको हम इनलाइन स्टाइलिंग देते हैं, बल्कि हाँ इसको सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर। सेंटर इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये सेंटर में चला गया। अब क्या करेंगे हम, जो लिस्ट है इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जनाब, इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करते हम, इसको एक यहाँ पर क्लास असाइन कर देते हैं, कोर्सेज जो पेज है इसको कोर्सेज की क्लास ही असाइन करते हैं, और इसकी जो स्टाइल डॉट सी एस एस है उसमें जाके हम डिज़ाइनिंग करते हैं थोड़ी सी, डॉट कोर्सेज। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको इसकी तो देखते हैं बाद में क्या करेंगे, पहले लिस्ट जो है उसकी थोड़ी सी करते हैं डिज़ाइनिंग। यू एल उसको हम जो है लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एल आई है हर आइटम है उसको हम देंगे पैडिंग थोड़ी सी, 10 पिक्सल्स की पैडिंग देते हैं, और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं 20 पिक्सल्स, और इसको कर देंगे रिफ्रेश। तो ये अब थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल नन नहीं करते, लिस्ट स्टाइल नन जो है वो नहीं करते यहाँ पर, लिस्ट लोअर अल्फा, तो ये भी कोई अच्छा नहीं है। हम यहाँ पे कर देंगे डिस्क, ये ठीक है, बुलेट्स साथ ठीक है, और इसके बाद हम ये कोर्सेज आ गए। अब यहाँ पर जब भी हमने कोई कोर्स नया ऐड करना हो तो वो हम किस में जाके ऐड करेंगे, मॉडल में जाएंगे, यानी कि स्क्रिप्ट डॉट जी एस की फाइल में, और इस कंट्रोलर में जाके यहाँ पर हम कोई कोर्स भी ऐड कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा जावा। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो ये जावा भी इसमें शामिल हो गया है। अब इतनी मैं इसकी डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा, क्योंकि डिज़ाइनिंग हमने नहीं करनी, हमारा कोर्स का पर्पज़ जो है वो एंगुलर जीएस सीखना है, ना कि सीएसएस, लेकिन उतनी सीएसएस हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट को तो थोड़ा सा डिसेंट लुक दे। तो इतनी ठीक है, अब ये हो गया, कोर्सेज आ रही है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, फैकल्टी इसके में इसमें जाएंगे, तो इसमें हमने एक और हम कंट्रोलर करते हैं क्रिएट, तो मैं क्या करता हूँ इस कंट्रोलर को ही करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट, और इस कंट्रोलर को नाम दूंगा मैं स्टाफ अंडरस्कोर कंट्रोलर, तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट कंट्रोलर, और ये स्टाफ अंडरस्कोर कंट्रोलर। और अब हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे स्टाफ की डिटेल्स। अब इसमें क्या करेंगे हम, स्टाफ की जो है वो सिंपल नेम्स स्टोर करवा लें, या उनकी जो साथ है वो हमारे पास क्वालिफिकेशन वो भी डिस्प्ले करवा लें, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें आएगा नेम, नेम नेम मैं फ़िलहाल अपना ही स्टोर करवा लेता हूँ, और दूसरा मैं करूँगा क्वालिफिकेशन, QUAL क्वालिफिकेशन की शॉर्ट फॉर्म रख लेते हैं, और इसमें मैं लिख दूंगा BS कंप्यूटर
साइंसेस, तो ये एक हो गया हमारे पास, इसको करेंगे कॉपी, इसको पेस्ट करते चले जाएंगे और इनमें चेंजेस करते चले जाएंगे। साजिद अली, ओ इसकी जो है वो कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये हो गया। अब इसके बाद जस्ट नेम चेंजेस करने हैं, BS मैथ्स, और यहाँ पर सिर्फ माजिद कर देता हूँ और BS CS कर देता हूँ। ये जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल है, मेरे जहन में नहीं आ रही कि कितने नेम्स ऐड करूँ यहाँ पर। तो अब मैं जाऊँगा स्टाफ डॉट एच टी एम एल के पेज में और इसमें इसको हम इन लाइन स्टाइलिंग देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये सेंटर में अलाइंड हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंट्रोलर है उसको करना है लिंक, तो उसको लिंक हम करेंगे। ऊपर हम एक डिव बनाते हैं जो कि इस पेज का होगा कंटेनर, और उसमें हम सारी ये जो एच टी एम एल के टैग्स हैं इसके अंदर लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कंट्रोलर है वो इस पूरे पेज पे हमारा जो है वो आ जाएगा। तो इसका जो नाम था वो स्टाफ अंडरस्कोर सी ओ एन था, इसमें ये आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम एक टेबल रो क्रिएट करेंगे और टेबल हेडिंग, तो यहाँ पर आएगा नेम और यहाँ पर उस बंदे की क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। तो इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूँ कि ये क्या लुक दे रहा है। ये ठीक हो गया है, इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे लेकिन पहले मैं इसको सिर्फ रिट्रीव करा लूँ। तो ये ठीक हो गया इतना, फिर टी आर, और इसके अंदर हमें अब यहाँ पर एक रिपीट का लगाना पड़ेगा, एन जी रिपीट repeat रिपीट, और इसमें मैं लगाऊंगा जो थी हमारे पास ये कोर्सेज है, इसको भी देखो कभी हमने इसका नाम नहीं चेंज किया कोर्सेज, तो यहाँ पे रख लेता हूँ मैं स्टाफ। तो यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, स्टाफ डॉट एच टी एम एल के पेज में, तो मैं लिखूँगा एस इन स्टाफ। ये कोई कन्वेंशन नहीं है कि आपने जो ऑब्जेक्ट का नाम हो उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करना है, यानी कि अगर स्टाफ है तो एस इन स्टाफ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अपनी आसानी के लिए यूज़ करता हूँ। अब इसके अंदर आएगा टी डी, और इसमें मैं प्रिंट करवाऊँगा एस डॉट नेम, और दूसरे टेबल डेटा के अंदर मैं डिस्प्ले करवाऊँगा एस डॉट सी क्यू यू ए एल, जो कि हमने उस वक्त प्रॉपर्टी सेट की थी क्वालिफिकेशन की। तो ये नहीं हो रहा डिस्प्ले, कुछ ना कुछ है गड़बड़, तो उसको देखने की करते हैं कोशिश वो क्या है। हमने यहाँ पर डबल ब्रेसेस नहीं लगाए जो कि किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के लिए हमने लगाने होते हैं। तो ये हो गया, अब इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये आ चुका है। नेम की प्रॉपर्टी सही आ गई है लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी है क्वालिफ़िकेशन की वो नहीं आई, देखते हैं क्या रीज़न है। क्यू यू ए एल, और वहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है उसको देखता हूँ, क्यू ए यू एल, तो एरर तो आनी ही थी। ये हो गया,
ये हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल की थोड़ी सी लुक चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास स्टाफ, इसको मैं देता हूँ क्लास, और इसको सीएसएस के अंदर जाके जो हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल है उसमें जाके इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं, इसकी खबर लेते हैं कि क्या मसला है इसे। टेबल तो इसको मैं बॉर्डर साइन कर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये काम नहीं कर रहा, BODER स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, ये बॉर्डर आ गया है। अब आगे मज़ीद इसकी करते हैं स्टाइलिंग, ये इसको मैं करता हूँ कॉपी। टेबल के अंदर हमारे पास है TH और TD और TR, इनको हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, पहले तो 10 पिक्सल्स की, उसके बाद हम देते हैं इनको बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। रिफ्रेश, ये आ गया। ये को टेबल अच्छा नहीं मुझे नज़र आ रहा, इसकी एक प्रॉपर्टी और सेट करनी पड़ेगी, टेबल की जो होती है बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स, तो ये अब अच्छा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट तो नहीं है, ताकि ये सेंटर लाइन हो जाए, ट्राई करते हैं शायद हो जाए। तो ये तो उसके जो टेक्स्ट है उसके अंदर ये सेंटर लाइन हुआ है, तो हमें इसे सेंटर लाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन इसका जो है वो ऑटो कर देते हैं, ताकि ये भी सेंटर में अलाइन हो जाए। ये भी सेंटर में आ गया। अब हमने कितने पेजेस क्रिएट कर लिए, कोर्सेज़ वाले में हमने कोर्सेज डिस्प्ले करवा लिए, फैकल्टी वाले में फैकल्टी का जो डेटा है वो आ गया। अब अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, इसको हमने करना है। अब इनके जो डेटा है वो मॉडल से तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, इनमें हमने स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करवाना है। तो वो हम क्या करते हैं जनाब, वो हम डिस्प्ले करवा लेते हैं ऐसे ही, या फिर मैं क्या करता हूँ, जो बोटस का भी डेटा है वो भी हम वहाँ से ही लेकर आते हैं कंट्रोलर के ज़रिए ही, यानी कि फुल फ्लैज जो सारा डेटा है वो हमारा उसमें ही आए जो हमारे पास है। कंट्रोलर्स हैं उनमें, तो अबाउट अंडरस्कोर कंट्रोलर, और इसमें मैं एक इसको करता हूँ डिलीट और अबाउट इज इक्वल टू, इसमें हम स्ट्रिंग करवा लेते हैं स्टोर। और स्ट्रिंग को किस तरह हम एक पैराग्राफ ही हमने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डायनामिक पैराग्राफ होता है जो कि डेवलपर्स यूज़ करते हैं टेम्पलेट में, लॉरम इप्सम, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा मैं पूरे पैराग्राफ को। ये बेसिकली एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो एज अ डमी पैराग्राफ हम यूज़ करते हैं अपने टेम्पलेट्स के अंदर, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने सिर्फ लॉरम टाइप किया, वो पूरा पैराग्राफ जनरेट हो गया। ये फ़ायदा होता है अच्छे एडिटर्स का। कंट्रोल एक्स और इसको कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। अब क्या करता हूँ मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फ़ाइल में जाके इस यहाँ पर इसको कर दूँगा पेस्ट, उससे पहले मुझे यहाँ पे सेमी कॉलन निकाल लेना चाहिए। ये हो गया। अब हम जाएंगे अबाउट वाले पेज में, वहाँ पर इसको कर देंगे लिंक div ng controller
अबाउट कंट्रोलर लिंक हो गया है। अब इसके बाद H1 इसको जो है वो स्टाइल कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हो गया। अब हम इसको कर लेंगे रिट्रीव पैराग्राफ को वहाँ से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम लिखेंगे अबाउट और इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये कुछ भी नहीं शो कर रहा, यानी कि हमारा कंट्रोलर सही लिंक नहीं हुआ या कोई और मसला है। स्क्रिप्ट में जाता हूँ मैं, ये कंट्रोलर का नाम कॉपी किया और अबाउट वाले पेज में जाके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा मैं। ओहो, ये कॉपी हो गया और कौन सा पेज है, स्टाफ वाला पेज है, नहीं नहीं अबाउट वाला पेज, यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको, ये पेस्ट हो गया। और अबाउट को हमने करना है रिट्रीव, तो उसके लिए इसको पेस्ट कर दिया। कोर्सेज डिस्प्ले हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, अबाउट वाला डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसको हम देखते हैं कि क्या एरर है। कंसोल और एरर नहीं शो कर रहा, इसको क्लोज ही कर देते हैं और देखते हैं कि क्या एरर है। कोड को ध्यान से पढ़ते हैं हम, ये कंट्रोलर की स्पेलिंग की यहाँ पर मिस्टेक है, कंट्रोलर, तो इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। अब ये लार मैप्सम का यहाँ पर आ चुका है, हेडिंग हमारी क्या है, अबाउट अस, ये आ गया। अब इसको जो पैराग्राफ है इसको मैं स्टाइल देता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ अलाइन जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये हो चुका है। अब ये भी डिस्प्ले हमने करवा लिया वहाँ से मॉडल से। अब रह गया है पेज हमारे पास कॉन्टेक्ट अस, तो इसमें जो है वो डेटा तो नहीं आएगा उससे मॉडल से, जस्ट इसमें स्टैटिक्स हम इनपुट्स जनरेट करेंगे और जिससे यूज़र मेल कर सके वो हम बेसिकली इंटरफेस जनरेट करने जा रहे हैं। तो ये है कॉन्टेक्ट अस, इसको मैं स्टाइल करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेंटर, ये सेंटर में आ गया कॉन्टेक्ट अस। अब इसके नीचे हमने जो जनरेट करनी है वो इनपुट्स हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका जो नेम और वैल्यू का एट्रीब्यूट है वो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। सिंपल मुझे चाहिए प्लेस होल्डर और उसमें मैं लिखूँगा एंटर योर ईमेल एड्रेस, और इसके बाद मुझे एक और इनपुट चाहिए, ये भी टेक्स्ट टाइप की होगी और इसमें मैं क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, प्लेस होल्डर एंटर योर मैसेज, ये हो गया। इसके बाद हमें एक बटन चाहिए जिसकी होगी इनपुट टाइप बटन, नेम तो इसका जो भी होगा वो देखा जाएगा, वैल्यू इसकी होगी सबमिट, जो टेक्स्ट इस पे डिस्प्ले होगा।
ये तीनों चीज़ें हो गई हैं डिस्प्ले, अब हम इनकी कहते हैं डिज़ाइनिंग। इनके बाद मैं लगाता हूँ बी आर बी आर बी आर बी आर, तो ये आ गई ऊपर नीचे। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी इनपुट्स हैं इनकी कर देंगे डिज़ाइनिंग, किस में जाके स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ये है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसमें आके हम इनकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं, इनपुट इनको हम सेट करते हैं पैडिंग 10 पिक्सल्स, ये पैडिंग ऐड हो गई इनमें। फॉन्ट साइज़ इनका हम करते हैं 20 पिक्सल्स, ये अब रीज़नेबल हो गए हैं, साइज जो है वो इनका रीज़नेबल हो चुका है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, इनकी जो विड्थ है वो मैं रखता हूँ 200 पिक्सल्स, तीनों की इक्वल विड्थ, ताकि लुक जो है वो थोड़ी सी अच्छी आए। लेकिन ये बटन के बराबर नहीं हुआ, देखते हैं क्या मसला है इसको। ये हो गया, अब इनको जो है मार्जिन बॉटम जो है वो थोड़ा सा देते हैं 10 पिक्सल का, ताकि इनमें थोड़ा सा गैप आए। ये भी फिट हो गया है। अगर मैं इनको मार्जिन ऑटो करूं तो ये सेंटर लाइन होंगे या नहीं होंगे, सेंटर लाइन नहीं हुए, और इनका जो मार्जिन बॉटम है वो प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो गई है। इसको यहाँ से करते हैं कट, और पहले ऑटो करते हैं उसके बाद मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी उसके साथ हो गई है कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका क्या हल है, हम इसको एक फ्लोट वाली प्रॉपर्टी इस पर लगाते हैं, फ्लोट सेंटर, बल्कि फ्लोट सेंटर तो होता नहीं है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। फिर भी ये नहीं वर्क कर रहा, तो इसमें ये तो सेंटर में टेक्स्ट अलाइन हो गया। तो इसका हल क्या है, इनको तीनों को मार्जिन जो है वो लेफ्ट वो ऑटो कर देते हैं, फिर भी ये नहीं वर्क कर रही। तो इसका फिर जो आखिरी हल है वो ये है कि इनको 100 पिक्सल्स का जो है वो मार्जिन दे दो लेफ्ट से। इन 200 पिक्सल्स कर लेते हैं, तीन सौ पिक्सल्स, चलो ये ठीक है जो भी है। ये हमारा फॉर्म जो है कॉन्टेक्टर्स का ये भी कंप्लीट हो चुका है, यहीं के हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बेसिकली इसमें हमने इतना डिज़ाइनिंग नहीं की, क्योंकि डिज़ाइनिंग जो है वो हम CSS में करते हैं, और हम जो कोर्स कवर कर रहे हैं वो AngularJS का कोर्स है, ना कि CSS का। तो इसमें बेसिकली हम आपको समझाना ये था कि आप किस तरह से राउटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। राउटिंग को तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था जो हम जब इस कोर्स को हम कवर कर रहे थे, लेकिन अभी हमने देखा कि हम उसमें हम सिंपल एक हेडिंग जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे पेज में, लेकिन अब हमने देखा कि हम किस तरह से पूरे का पूरा जो व्यू है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। देखिए पूरे का पूरा व्यू चेंज हो रहा है वेबसाइट का, आप इसको मज़ीद एनहांस कर सकते हैं, आप इसमें मज़ीद फंक्शनलिटी ऐड कर। अभी आपको बताना ये है कि आप इस तरह के और 2-3 प्रोजेक्ट्स खुद से क्रिएट करें, ताकि आपने जितना सीखा है वो आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले। अभी जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह जो हमने सीखा है उसको यूटिलाइज़ करके हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। 2-3 प्रोजेक्ट्स आप खुद बनाएं, उनमें से आप क्या क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको आइडिया देता हूँ। आप लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं AngularJS के अंदर, उसके अलावा आप नोटिफिकेशन सिस्टम बना सकते हैं, उसके अलावा आप नोटिफिकेशन सिस्टम बना सकते हैं, और इसके अलावा आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप टिकटॉक टॉय गेम क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी जो हैं छोटे मोटी ऐप्स वो आप बना सकते हैं।
तो आप उनको लाजमी ट्राई करें, जिससे आपकी स्किल्स में मज़ीद इजाफा होगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी वेब डेवलपमेंट में जो है आगे करियर सेट करने की टिप्स दूंगा, क्या क्या आपको सीखना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आपको यूज़फुल रहेंगी फ्यूचर में, तो उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ ही हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।